Hello, my dear aspirants. Welcome back to this new session. Dear friends, today we will discuss one JEE main problem of application of derivatives or pair of straight lines chapter. ये question, my dear students, हम लोग application of derivatives से भी solve कर सकते हैं and pair of straight line का concept से भी solve कर सकते हैं. तो आप इस question को देखिए और इसको हम लोग solution यहाँ पर मैं provide करेंगे और क्या क्या concepts लग रहा है and इस तरह के questions JEE main काफी बार पूछता है. Question ये बोल रहा है, my dear students, the normal to the curve x square plus 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 एट 1,1 डज नॉट मिट द कर्व अगेन. ऑप्शन बी मिट्स इन द कर्व अगेन इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ऑप्शन सी मिट्स द कर्व अगेन इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ऑप्शन डी मिट्स द कर्व अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. इस तरह के चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये कर्व दिया हुआ है. ठीक है, ये जो कर्व है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0. ठीक है, इस कर्व को अगर आप सेपरेट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 3y² इक्वल टू 0. इसका फैक्टर आप निकाल लो तो ये बन जाएगा देख लीजिए ये दो फैक्टर बन रहा है. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस xy माइनस 3y², यानी ये जो कर्व है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इक्वल टू 0. अब ये बोल रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व एट 1,1. अब आप देख लो दोनों में 1,1 कहां सेटिस्फाई कर रहा है. 1,1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब आप ऐसा समझो ये लाइन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू वाई, ये लाइन हो गया. ठीक है, ये जो लाइन है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 कुछ इस तरह का लाइन बन गया. अब ये पॉइंट यहां पर मैं कहीं ना कहीं माय डियर स्टूडेंट्स 1,1 लाई कर रहा है. ठीक है, तो अब बताइए 1,1 पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, यानी 1,1 पर नॉर्मल, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप हो गया 1. तो इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल होगा, नॉर्मल का अगर हम लोग स्लोप लिखते हैं तो आपको कितना हो जाएगा -1. नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -1, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1. तो ये बन जाएगा y माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा x प्लस y इक्वल टू 2, x प्लस y इक्वल टू 2. ठीक है, यानी आप ऐसा समझो कि 1,1 पॉइंट पर अगर हम लोग नॉर्मल लिखे यहां पर में, यानी ये जो 1,1 होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर नॉर्मल कुछ इस तरह का होगा. ठीक है, अब आप देख सकते हो इस फिगर से कि ये जो लाइन होगा ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल जो है कौन से कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, तो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, यानी इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 0. इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आप लिख सकते हो माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 2, दैट इंप्लाइज y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3. यानी ये जो पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन होगा वो 3,-1, 3,-1, यानी ये पॉइंट हो गया 3,-1. ठीक है, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो रहा है कि ये नॉर्मल जो है इस पॉइंट पर जो होगा, ये इस कर्व को यानी ये लाइन को इंटरसेक्ट नहीं किया लेकिन दूसरे वाले लाइन को इंटरसेक्ट किया. कौन से पॉइंट पर? 3,-1 पर. और 3,-1 कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया?
ये हो गया आपको मिड्स द कर्व अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो पॉइंट है ये कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, सबसे पहले आपने पेयर ऑफ लाइंस को सेपरेट करके दो लाइन निकाल लिया, दो लाइन में से जो पॉइंट था 1.1 उसको सेटिस्फाई करा दिया, जिस लाइन पर लाइक करेगा उस लाइन पर नॉर्मल होगा, उस लाइन पर नॉर्मल का इक्वेशन हमने लिख दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म में। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में जब नॉर्मल आ गया तो उस नॉर्मल को हम लोग जो दूसरा लाइन है उससे इंटरसेक्शन कर दिया, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, -1। तो 3, -1 जो है ये कौन से लाइन पर लाइक कर रहा है, ये जो है आपका सेकेंड लाइन पर लाइक कर रहा है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट का, यानी द नॉर्मल टू द कर्व एट 1.1 मिट्स द कर्व अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये रहा इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। हम लोग फिर इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे एंड उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये सेशन को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।